तो आप लोगों ने देखा कल मटकौर का वीडियो हम लोगों ने डाला था, मंत्री पूजा का वीडियो डाला था, और हिंदू रीति रिवाज जो हमारे उत्तर प्रदेश का है, शादियों का, विवाह का, उससे आप लोग बहुत कनेक्ट हुए हैं। और आप लोगों को बहुत सारे लोग का कमेंट आया कि भैया हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसके आगे का पार्ट जो है मेहंदी रस्म का, तो आप लोग उसको पूरा देखिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को पसंद भी आएगा। तो दोस्तों वेलकम बैक टू अमित किट्टो जायसवाल यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो अभी हम लोगों ने, आप लोगों ने देखा कि जो कल ब्लॉग हमने डाला था किट्टो के मायके के मटकौर, जो मंत्री पूजा होता है उसका डाला था, और रीति रिवाज जो भी होते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में उसको हमने दिखाया था। बहुत सारे लोग उससे कनेक्ट भी हुए और लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया कि भैया हमारे यहाँ भी ऐसा होता है। तो अब जो आएगा वो आएगा मेहंदी रस्म का, किट्टो के घर पे कैसे मेहंदी रस्म उसका हुआ था, किस तरीके से सेलिब्रेट हुआ था। किट्टो ने स्पेशल डांस परफॉर्मेंस भी किया था, उसके घर वालों ने भी डांस किया था, सब ने मिलकर डांस किया था। बहुत अच्छा वीडियो है, तो आप लोग इस ब्लॉग को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। बैक टू बैक किट्टो के वेडिंग का सारा वीडियो आएगा, किट्टो के मायके का सारा वीडियो आएगा, तो आप लोग बहुत प्यार दीजिएगा। तो चलिए आप लोग का समय नहीं गवाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं हमारा मेहंदी रस्म की हो रहा है, और सबसे पहले मेरी मम्मी हमको टीका लगा रही हैं, और उसके बाद जब मेहंदी हमको हम लोगों में होता है ना, तो ऐसे पैसे न्योछोर देते हैं, जो कि ये पैसा जाता है जो मेहंदी लगाता है उसको जाता है। तो अभी मम्मी मेरे को मेहंदी लगा के टच करा रही हैं शुभ के लिए, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि बगल में भी हमारी सिस्टर लोग बैठी हैं। दोस्तों वहाँ पे किट्टो का मेहंदी रस्म हो रहा था और मेरे घर पे मेरा हो रहा था, और मतलब जब भी कुछ फंक्शन होता था ना, मैं अपने को रिलेट करता था। मैं सोचता था यार किट्टो का भी वहाँ पे हो रहा होगा, मैं सोचता था शायद कोई वीडियो कॉल करके मुझे दिखा दे, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं था। मैं वही सोचता हूँ कभी कभी काश हम ब्लॉगिंग कर रहे होते उस टाइम, तो ज्यादा मजा आता। और ये हमारे घर के पीछे का डेकोरेशन, जैसा कि मैंने हल्दी वो मंत्री पूजा का आगे का दिखाया था, नहीं ये पीछे का था, पीछे भी सजावट होता, आगे से पीछे पूरा था। और यहाँ पे हमारा कार्तिक डांस कर रहा है, क्योंकि इस घर में सबसे छोटा बच्चा था तो लोग उसको ज्यादा प्यार कर रहे थे। और यहाँ पे देखो सिस्टर ने किया, तो भी पैसे नहीं, तो ऐसा भी होता ना कि जब मेहंदी रस्म होता है सब ऐसे न्योछावर करके डालते हैं, वही चीज होता। और ये को पैसा कौन लेता, तुम लेती हो? नहीं नहीं, जो मेहंदी लगाती है। हाँ यही तो कंफ्यूजन हो गया था मेरे भाई के दोस्तों से, तो उन्हें लगा कि यही लेगी, तो उन लोगों ने ना 5500 1000 उन्होंने न्योछर दे दिया था, उन लोग को पता नहीं था। मतलब जिसने मेहंदी लगाया खूब पैसा लेके गई ना। हाँ मेरे मेहंदी रस्म में काफी पैसे उतरे थे, बहुत ठंड लग रही थी। बाप रे मेरी, आप सबको पता है दोस्तों, ये हमको मेहंदी 3 बजे से मेहंदी लग रहा था। अच्छा। हाँ पहले पूरे पैर में हम दिन में ही लगवा लिए, पैर का मेहंदी कंप्लीट हो गया है, पूरे पैर में लगवाए थे मेहंदी। तो उस टाइम तो मैं ब्लॉग वगैरह, ये मैं दीदी जिसने वीडियो बनाया, क्लोजअप नहीं लिया है क्या हाथों का? ये हमारे यहाँ का ना बहुत गंदा है ये ना, मेरे चोरी बाजार में जितने लोग भी रहेंगे ना, इससे कभी मत करवाना, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितना खराब है। ये देखो, नहीं बताओ कैसे वीडियो बनाया, ऊपर सर के ऊपर बिल्कुल इतना गैप करके रखा, कम से कम क्लोजअप तो लेना चाहिए उसको, देखो कैसे रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो। अरे उसको ढंग नहीं है। इससे अच्छा तो हम लोग ब्लॉगिंग कर लेते हैं, कम से कम क्लोजअप लेना चाहिए भाई। अगर मुझे पता होता ना तो मैं उससे बोलती कि तुम मेरे को नॉर्मल ही दे दो, मैं ऊपर से ऊपर वाइज कर लूंगी। और यहाँ पे देखो मेहंदी अभी स्टार्टिंग हुआ है, मैं आधा मेहंदी लगवा के चली गई थी ऊपर। वैसे रियल वॉइस का वीडियो ज्यादा अच्छा लगता है ना? हाँ। और यहाँ पे ये देखिए राजू भैया है, जो कि हमारे पूरे खाने की जिम्मेदारी ये लिए थे, मतलब कि बहुत टेस्टी खाना ये बनाते हैं। तो ये भी मेरे को 500 देकर लेके थे। मेरी चाची की लड़की है, जो कि देखिए पहले हम लोग में क्या होता है कि मेहंदी एक थाली में रखा जाता है, उसके बाद सबसे पहले मम्मी मेरी सूप करती थी, फिर उसके बाद सब लोग आ करके जिसको जितना भी देना हो, जिसको जितना सक्षम था उतना देता है। और उसके बाद सब मीठा भी रखा था, लड्डू का थाल रखा था, तो उसमें सब लोग लड्डू खिला रहे हैं। यहाँ चाचा कार्तिक उस टाइम बहुत छोटा था, तो ये चाचा हमारे कार्तिक को लेकर के ऐसे, क्योंकि सब इसको इतना प्यार करते थे ना, सबसे छोटा था, मतलब पहला नात
पहला नाते ही कहा जाएगा। बीजू ऐसा सूट किया जैसे कोई छोटा बच्चा सूट किया है, सही बता रहा हूँ। इससे अच्छा तो हमारा ऋषभ और सोनाक्षी सूट कर देते वीडियो, उसको तुम कम्प्लेन करना जिसने तुम्हारा वीडियो शूट किया है। उसका नाम हम लोग मुरचाहे बोलते हैं उसको, आपको कंप्लेन करना, फोन नंबर लेना, हमारी बात कराना। और ये हमारी चौथी तीसरी नंबर चाची ऐसे है। तो नहीं कैमरा खरीद के बस कैमरामैन बन गया हो, पता नहीं क्या हो, पूरे गांव का तो वही करता है। लेकिन बाबू मेहंदी रसम हो रहा, मेहंदी का क्लोजअप दिख ही नहीं रहा वीडियो में, बताओ हद नहीं हो गई है। क्या नहीं दे यार, होता है, चलो रहने दो, अब इतना भी कंप्लेन मत करो। हम यहाँ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम बता रहे हैं, तुम उसी में बता रहे हो कमियां बता रहे हो, अब जो हो गया सो हो गया, उसकी कमी को क्या कर सकते हैं। तो यहाँ गाइस आप देख सकते हैं मेरी चाची भी अब नेछूर दे रही है, बहुत सारे लोगों को। तुमको कैसा फील हो रहा था, तुमको याद कर रही थी कि नहीं कर रही थी? हाँ याद कर रहे थे, लेकिन मुझे इतना ज्यादा मुझे ठंडी लग रही थी ना, और देखो ना मैं कैसी लग रही हूँ, मैं भी बहुत कांप रहा था। ये मेरी गुजरात वाली सिस्टर है जो कि वो भी नेउछूर दे रही है, कोई 20 रुपया, कोई 500 का नोट लग रहा है। नहीं लेडीज में कोई 500 नहीं दिया था, कोई भी। मेरी मम्मी दी थी 251 रुपया, और उसके बाद बाकी सब लोग 50 रुपया, कोई 20 रुपया। अब जिसको अब क्या बताया, गाँव में सब लोग अपनी इच्छा अनुसार दिए थे। बाकी हमारे हम बोलेंगे हमारे भाई के फ्रेंड लोग 500-1000 ऐसे दिए थे। ये दीक्षा है और वो प्रिंसी है, ये दोनों हमको मेहंदी लगाई थी। अब मैं आ गया बीच में, ये पता नहीं कहाँ से बीच में टपक टपक के चले आ रहे हैं। आप लोग देखिए, सब लोग बहुत मस्ती किए थे, बहुत ज़्यादा मस्ती किए थे, बहुत इंजॉय हुआ था गाइज। उस टाइम मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। ये देखिए लड्डू है, लड्डू चाचा जो कि इनके मौसी के लड़के हैं। देखो ये 500 दिए थे, देखो ये 500 का नोट है, ये दिए थे 500। कह रहे ना बहुत पैसे। देखो मेरी बुआ देखो खड़ी हैं, ये मेरी शादी बाबू देखो हर रस्म में है ना, क्या करे, भगवान ऐसा कर दिए हैं कि ये इंसान अब याद ही कर सकता है और क्या कर सकता है। लेकिन जब भी देखते हैं दोस्तों ना बहुत याद आती है कि हमारे घर में। तो जो हरे कलर कपड़ा सिलवाई थी? नहीं ये न्यू सूट है, सूट खरीदी थी हमने कुर्ता पजामा सिलवाया था, कुर्ता पैंट सिलवाया था बाबू। मेरे को जानते हैं मेरी दोनों सिस्टर थी नहीं, अब उसके बाद मुझे बताने वाला कोई था नहीं कि मैं क्या पहनूं। मैं ना देखो मोबाइल तो चलाती नहीं थी कि मुझे कोई आइडिया रहेगा कि लोग क्या कर, ट्रेंड में क्या चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, पूरा भर के लग रहा है ना। हाँ ऐसे ही हुआ था। और ये पता नहीं कौन है यार, पीछे से नहीं समझ में आ रही। अच्छा बुआ है मेरी, सबसे बड़ी बुआ यही है बहनों में सबसे, पापा की मेरी सबसे, मतलब पापा तो मेरे सबसे बड़े हैं। ये भी ये देखो गिन रही है कितना डालें कितना नहीं। ये देखो गिनी बाबू, देखो कितना याद आ रहा है, देखो एकदम साक्षात यहाँ खड़ी हैं और आज आज इस दुनिया में नहीं है, क्या बताएं। सबसे छोटी थी गाइस, आप लोग बहुत सारे लोग जो नहीं जानते होंगे बता दे रहे हैं, हर पल याद आएगा, समझ लो एक मेमोरी एकदम धस गया है। तो बगल में और इसके पहले जो हम लोगों ने ब्लॉग दिखाया है मटकौर का और मतलब मंत्री पूजा का, लोगों को बहुत पसंद आया, तो हमने सोचा इसको कंटिन्यू रखते हैं और किट्टो के घर का सारा फंक्शन लोगों को दिखाते हैं। और मैं बहुत थक गई थी दोस्तों, क्योंकि मेरे ना बैठे बैठे क्योंकि काफी देर से चल रहा था फंक्शन। और ये सबने एक एक करके डांस किया। ये देखिए मेरे, ये यूवी है और मेरी चाची है। मेरी चाची ना सारे लड़कों के सामने, मेरे घर के जितने भी है सबके साथ जोड़ी खा जाता है, डांस कर लेती है, मैचिंग हो जाता है। और देखो कितना मस्त कर रही, थोड़ा सा म्यूजिक भी सुना दे क्या, सुना देते हैं। मेरी मम्मी, मेरे चाचा, चाचा के लड़के, चाची, सब लोग साथ में डांस कर रहे हैं, खूब ही। इसके बाद मेरा डांस आ गया, आप लोग देखिए कैसा लग रहा है मेरा डांस। ही मेरा फर्स्ट, मैं पहली बार सबके सामने इतना खुल के डांस की थी, क्योंकि मेरे को बहुत शर्म आ रही थी। तो मैं आपको इसका म्यूजिक भी सुना देते हैं, ठीक है। Thank you.
आप लोग जो देखे हैं कि बीच बीच में मैं अपनी सिस्टर के साथ आ रही थी, तो जो लास्ट पॉइंट होता है ना, तो उसमें मेरे को ना मजा आ रहा था डांस करने में, तो सब लोग हंस भी रहे थे, तो मैं हंसाने के लिए भी देख लास्ट में आ जा रही थी इसके साथ, क्योंकि मेरे को वही स्टेप आ रहा था और बाकी कोई स्टेप अभी इसकी तरह मैं उतना कर नहीं पा रही थी। और मेरे दोनों हाथ में पूरी अच्छे से मेहंदी नहीं लगी थी, ठंड बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेहंदी सूख ही नहीं रहा था, ऐसे पिघल जा रहा था। और ये देखो कितना अच्छा डांस करती है, ये तो सीखी भी नहीं है पर हमारे ये सबसे अच्छा डांस, मेरे घर में लड़कियों में सबसे अच्छा डांस यही कर लेती है। देखिए मैं फिर आ गई इसके साथ में चाचा लड़का भी आ गया हम लोग तीनों लोग ऐसे साथ में मस्ती करने लगे थे, तो मज़ा आ रहा था। तो आप लोगों को मेरा डांस कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगेगा तो भी, नहीं अच्छा लगेगा तो भी। और आप लोग के यहाँ भी कैसे मेहंदी रस्म मनाया जाता है? हर जगह हर किस्म का मनाया जाता है ना बाबू, हर तरह तरह का मनाया जाता है। मेरे यहाँ से ज़्यादा तो आपके यहाँ लेट हो गया था ना, जब मैंने फ़ोन आपको तो फ़ोन नहीं किया था मैंने, बट मैं वंदना दी को फ़ोन की थी तो पता चला था कि हम तो चले गए थे, इस पीछे फंक्शन हो रहा था, मैं चली गई थी छत पे क्योंकि मुझे यहाँ पे ओस गिर रहा था, बहुत ज़्यादा ओस गिर रहा था, इस वजह से मैं चली गई थी कमरे में मेहंदी लगवाने। तो ये इनका डांस कैसा लग रहा है आप लोग इनका भी कमेंट करके बताइए। सब लोग अपना अपना डांस किए थे भैया, सब लोग सीखे थे मेरे शादी में, हम भी थोड़ा बहुत सीखे थे तो कर लिए थे, अब लास्ट में हम नहीं आए तो लोग हमको बोले कि अब इस बार भी चली जाओ, तो मैं बोली नहीं यार मैं नहीं जाऊँगी, जाने दो मेरा मेहंदी भी ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि मिस्टर दीपक एकदम झमाझम बेहतरीन तरीके से एकदम आग लगा दिए हैं डांस करने में, और इनकी बहन की शादी है तो फिर ये जितने लोग भी आप लोग देख रहे हैं सारे भाई लोग हैं, मामा मौसी सब, मतलब सबका मिला करके सारे भाई लोग हैं और एकदम आग लगा दिए हैं पूरे चौरी बाजार में एकदम झमाझम डांस करके। आर्यन का देखो, ये देखो जो ग्रीन वाला पहना कैसे डांस कर रहा है, बहुत छोटा था उस टाइम आर्यन, आर्यन कितना हेल्दी था पहले ये देखो, अब थोड़ा बहुत पतला हो गया, नहीं तो पहले चिरंजीव देखो ये मिस्टर दीपक को देखो, ये भैया अरे भैया पूरा खर्चा उठाए थे, पूरा जिम्मेदारी लिए थे, तहलका मचा दी एकदम, और इस तरफ किट्टो के उधर आग लगी थी, उधर हमारे तरफ आग लगी थी, हमारे दोनों भाई खूब रो रहे थे, दीपक भाई और पंकज भाई बहुत समझाए थे, क्योंकि ना मतलब कि मेरे भैया की इतना ज्यादा तबीयत खराब था तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा सबको रोना आ रहा था, तो बहुत ज्यादा। उम्मीद करते हैं कि किट्टो के घर का जो मेहंदी रसम का ब्लॉग था आप लोग को पसंद आया होगा, उसके नेक्स्ट वाला पार्ट जो है आगे का वो कल आएगा, और इस वाले ब्लॉग को बहुत प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर किट्टो के मायके का जो भी फंक्शन था, अगर आप लोग क्या भी ऐसे होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। बाय बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।